आप देखिए यहाँ पर हम चैत्य भूमि की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC ST एम्प्लॉय की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, और भी यहाँ पर तमाम जो भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं चाहे जिस विभाग के हैं सब कुछ ना कुछ स्टॉल लगा करके निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। और यहाँ पर सामने देखिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, रेलवे एम्प्लॉय की तरफ से भी है यहाँ पर व्यवस्था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी पीने की और भी सुविधा यहाँ बनाई गई है। यहाँ पर देखिए नागपुर सुधार प्रयास कर्मचारी सच्चे सौजन्य से मराठी भाषा में लिखा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर देखिए ये एक बोर्डिंग लगाया गया बोर्ड, और यहाँ पर आप और भी आगे हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे इसी तरह का। यहाँ पर देखिए स्टॉल लगा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, और यहाँ पर फोटो भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के मिल रहे हैं। ये देखिए कैसे लोग वहाँ जा रहे हैं यहाँ पर दीक्षा भूम के लिए, यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ देखिए इधर देखिए जो भिलवनी के हैं लाखों लोग छत्तीसगढ़ वाले भिलवनी के अलग अलग राज्य आप जहाँ के भी हो सहयोग कार्यालय के सामने आकर सियाराम बघेल जी से मुलाकात करें वो काफी एक तरफ से आना है एक तरफ जाना है। यहाँ पर देखिए अभी लोग जा रहे हैं, हम जाने वाली इधर दिखा रहे हैं और कैसे लोग जा रहे हैं यहाँ पर देखिए। और आपको यहाँ पर देखिए काफी संख्या में यहाँ पर है जो धम्म अनुयायी है, और इधर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ दीक्षा भूमि आने वालों लोगों की। आप कहाँ से आए हैं सर? हम कर्नाटक का। कर्नाटक किस संगठन से? हम सामाजिक परिवर्तन के संगठन से हैं, प्रतिष्ठ है, संविधान बदलना देश में RSS BJP और संविधान लेकिन हम लोग नहीं खतरे में, हम लोग आपस में बढ़ करके खतरे में जा रहे हैं। हमारा भी एकत्रित रहना संगठन में, बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो संगठित रहो तब संघर्ष करो। लेकिन हम लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बना करके अलग संगठन बना करके अलग झंडा लगा करके चल रहे हैं, तो कैसे संगठित हुए, कैसे हम लोग को हिस्सा हैसियत मिलेगी, कैसे राजपाट मिलेगा बताइए। राजपाट मिलना और ये करना बोले तो बहुजन के जो बाबा साहब के खुलासा के कल्चरों के खुलासा के लोग सब एक तरफ होना पड़ता है, और संघर्ष बहुत जरूरी है। आज न्यायिक को कार्य करने को सेक्रेटरी को उनमें सभी भ्रमणवाद है, भ्रमणवाद है, उनके पास से हमको न्याय मिलना बहुत जरूरी नहीं मिलता, इसलिए हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आपने जैसे भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, भारत मुक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है ये आपका, फिर बाम सेफ के साथ साथ संगठन हो गए बाम सेफ में, तो कैसे हम लोग एकत्रित हो गए? देखो बाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी पहला आपने सोच लिया, आपने देखिए हम उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री काल में मायावती ने बौद्ध में उत्तर प्रदेश को कर दिया, हम सिंगल एक सीट नहीं है ना, वो अलग बात है, हमारा आपका यही संगठन एक ना होना सीट कहाँ मिलेगी, हम आप अलग अलग पार्टी बना करके रह रहे हैं कैसे मिलेगी सीट बताइए, वोटर यही है सपोर्टर यही है तो बताइए। अब वोटर संगठन हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए हम लोग को कैसे राजपाट मिलेगी, आप अलग झंडा लेकर चलेंगे, आप अलग झंडा लेकर चलेंगे, ऐसे लोग बटे हुए हैं कैसे, कहाँ से अभी नहीं बटना, नहीं अलग झंडा इधर जिले और हाल की तल कौन रोकुंदा से, और ये सभी हम जितना आए एजुकेशन पूरा कंप्लीट करे से है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया और सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, एजुकेशन फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद जो भी है इस तरह स्टेट का वाइज कैसा कैसा, ये अब राजनीति का बात नहीं है धन की बात करना है। हाँ
थैंक यू। एक ही मुद्दा है हमारे सामने, हमारे सामने एक ही मुद्दा है, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये तीनों की बहुत जरूरी है। हम संघर्ष, संगठना और शिक्षित होके एक जुड़ के हम एक कदम रखें तो हम सक्सेस हो सकते हैं। संविधान बचने के लिए ये बहुत आवश्यकता है, ये एकदम। थैंक यू। यहाँ पे देखिए स्टाल बाबा साहब के नाम से लगाया गया है। यहाँ पर ये पूरा पुणे के रहने वाले पुणा के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये स्टाल लगाया गया है और यहाँ पर कुछ फार्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पार्टी का स्टॉल है, पार्टी का। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम देखिए भगवान बुद्ध और बाबा साहब प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है। और ये आप लोग पूना से हैं क्या? पूना की संस्था। अच्छा अच्छा अच्छा, पूना की संस्था के द्वारा यहाँ पर क्या होता है जरा आप कुछ बताएंगे? सर ये जो स्टॉल लगाया गया है, ये इस स्टॉल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे सर? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था, इस नाम से पहचानी जाती है। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत यह संस्था है और इस संस्था के तहत महाराष्ट्र के जो अनुसूचित जाति प्रवर्ग के जो महिलाएं, पुरुष या खास करके शिक्षित युवा वर्ग, उनके लिए स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से जो युवा वर्ग उसकी तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों को, आप जानते होंगे कि IAS IPS ये अधिकारी आप देखते होंगे, ऐसी परीक्षा की, UPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए, MPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए, बैंक, रेलवे, LIC की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग उनको पूरा प्रशिक्षण देते हैं, साथ में उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। और ज़्यादातर ये जो काम है वो स्पर्धा परीक्षा में अपना अनुसूचित जाति इस प्रवर्ग के बच्चों का, उनके द्वारा विकास, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुसूचित जाति इसमें महाराष्ट्र में 49 जातियाँ आती हैं। उन 49 जातियों के लिए उनका शैक्षणिक क्या है, उनका दर्जा क्या है, मतलब शिक्षा में उनकी उन्नति कैसी हो रही है, और खास करके आर्थिक उनका कैसा स्तर है, और साथ में समाज में उनका क्या स्तर है, इसके लिए हम लोग संशोधन रिसर्च बेस हम लोग कुछ सर्वे करते हैं, उसका भी कामकाज हमारे यहाँ से करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है सर, ये निःशुल्क। हाँ, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर SC ST एम्प्लॉय के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क स्टॉल लगाए गए हैं। और जो ये स्टॉल है यहाँ पर शिक्षण संस्थान के लिए है, जो भी IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं और भी कई तरह की तैयारियाँ करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर पंपलेट बनाया छुपाया गया है और निःशुल्क फार्म भरा जा रहा है, और जो भी यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं और इस संस्था के माध्यम से शिक्षण संस्था में शामिल होकर के निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह स्टॉल लगाया गया। यहाँ पर देखिए ये है आपका, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय यहाँ के बारे में और एड्रेसिटी के बारे में, यहाँ एड्रेसिटी कायदे के बारे में क्या पता है और एड्रेसिटी कायदा रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम फॉर्म भर के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक मंडल नागपुर, और यहाँ पर सहयोग रेलवे की तरफ से, यहाँ पर सहयोग यहाँ पर है, कितनी ट्रेनें कहाँ कहाँ आ जा रही है, सबका समय सारणी दिया गया है, कोई भी यहाँ पर आने वाले को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से जो भी ट्रेनें आ जा रही हैं, सबका यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। ये आपका, ये देखिए, और ये देखिए ट्रेन का यहाँ पर समय सारणी दिया गया है, कौन सी ट्रेनें कहाँ कहाँ आएंगी जाएंगी, आने जाने वाले, बाहर से आने जाने वालों के लिए यहाँ पर भी सुविधा बनाई गई है रेलवे की तरफ से। ये बहुत अच्छा है कि किसी को अगर कहीं जानकारी लेना हो तो यहाँ पर भी आकर के देख सकता है, समय सारणी के अनुसार अपनी यात्रा जा सकता है वापस। यहाँ पर देखिए सहयोग विधान शिविर भी लगाया गया है यहाँ पर, ये है आपका, यहाँ पर एम्प्लाई देखिए, यहाँ पर ये आपका हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए निःशुल्क यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए
डॉक्टर अपना चेकअप कर रही है, यहाँ पर कोई समस्या हो कोई परेशानी हो वो भी आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बनाया गया है, यहाँ पर निःशुल्क वितरित किया जा रहा दवा भी है। यहाँ पर अपना चेकअप कराइए, यहाँ पर देखिए ये भी है, ये देखिए यहाँ पर भी स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ कई स्टॉलें लगाए गए हैं ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। यहाँ पर देखिए एक नहीं तमाम स्टॉलें यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है और यहाँ पर हर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी है कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके एक बहुत ही इतिहास रचा था और उस दिन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लोग अभिवादन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर देखिए अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं तमाम धर्म अनुयायी जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। भगवान लाल उम्र 50 साल, भगवान लाल उम्र 50 साल, प्राणा देखिए यहाँ पर देवरी यहाँ पर देखिए इस वक्त यहाँ पर ग्वालियर, आप जहाँ कहीं भी है जल्द से जल्द सहयोग कार्यालय संपर्क कीजिए। आपके कागजात मोहर का गेट है, भगवान लाल ग्वालियर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर दीक्षा भूमि का यह गेट है, प्रवेश द्वार है और यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है। इस लाइन के उससे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक तरफ से देखिए बहुत बड़ी लाइनें हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइनें एक थामून रहो ना, मूवी मध्ये चालत रहा, पुढे पुढे चालत रहा। कुटुंबाच्या आतमध्ये दर्शनासाठी जी रांग लागलेली आहे त्या रांगेत आतमध्येच कुणीही घुसण्याचा प्रयत्न करू नका, तुम्ही नेहमीच रांगेत मिळाल। ये लाइन ये आने वालों के लिए बनाई गई है और एक लाइन है इधर देखिए इस तरफ से जा रहे हैं, कम से कम यहाँ से 150-200 मीटर की लंबी लाइन है और भी लाइन है। ये देखिए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब की अस्थि भी रखी हुई है और ये लंबी लाइन है, पता नहीं कितनी दूर तक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस लाइन को। देखिए आप हमारे चैनल पर भी ये आज आपका 5 अक्टूबर 2022 है और आज भी कई बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर क्रांति लाए थे, लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किए थे। हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से इस वक्त यहाँ पर और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और ये देखिए आपको यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त और आगे भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये अंदर की ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखिए, ये आपका यही है दीक्षा भूमि, यहाँ पर बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए लोग लाइन से जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए लोग अंदर गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये दीक्षा भूमि गेट से प्रवेश कर रहे हैं, दीक्षा भूमि जाने के लिए यहाँ पर लोग गेट के द्वारा यहाँ पर धीरे धीरे आकर जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर देखिए काफी लोग आ रहे हैं, क्या मैडम बोलेंगे, ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर और यहाँ पर जय भीम जय भीम जय भीम। यहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये यहाँ पर देखिए स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर बिक रही है और यहाँ पर देखिए तमाम बुके हैं जो यहाँ पर बेची जा रही, भारतीय संविधान और भी तो 50 हम और भी ऐसे तमाम किताबें हैं जो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत दूर तक ये स्टॉलें लगाई गई हैं, काफ़ी दूर तक है ये स्टॉलें, हम आप इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए लोगों का आना जाना हुजूम लगा हुआ है, इधर देखिए ये बहुत कई हजार में ये स्टॉलें लगाई गई हैं क्योंकि चारों तरफ स्टॉल ही स्टॉल नज़र आ रहे हैं। और जो भी है यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा और महापुरुषों की भी तमाम किताबें हैं
तस्वीरें हैं यहाँ पर बिक रही हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर हम हैं दीक्षा भूमि नागपुर में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है और ये आपका स्टॉल यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं। यहाँ पर जिधर देखिए ये बाहर भी आने जाने वालों का है, काफ़ी लंबा स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर। देखिए ये सामने आपका दीक्षा भूमि भी है। ये हम आपको बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस वक्त नागपुर के हम दूसरे गेट पे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में ये भी रोड जाम लगा हुआ, चारों तरफ का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पर। और ये बाबा साहब की सच्चे अनुयायी हैं, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये आपका इस तरह का देखिए, इधर भी देखिए काफ़ी भीड़ है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह ये आप देख सकते हैं हमारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर पुलिस भी है मदद के लिए, यहाँ पर जगह जगह तैनात की गई है। ये भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आप चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, दीक्षा भूमि की तस्वीरें हैं और भी आगे भी हम दिखा सकते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर देखिए, ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कितना हुजूम लगा हुआ है, लाखों लाखों अनुयायियों की यहाँ पर भीड़ है दीक्षा भूमि में। इस वक्त यहाँ पर देखिए लाखों लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि में और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए अलग अलग राज्य से तमाम लोग आए हुए हैं दीक्षा भूमि में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखिए ये बोलो बोलो भैया, नासिक वाले, हाँ मिले थे आप, हम्पी में मिले मिले थे। ये देखिए नासिक, नासिक के हैं ये, जो आपका ड्रैगन पैगोड़ा में मिले थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे। कल हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, आज संयोग से फिर हो गई है। आप लोग नासिक से आए हुए हैं।